नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। 13/3/2019 दिन बुधवार, बज्जी खुदाम अब्दुल औलाई आगरा के तत्वाधान में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ से भाग लेकर आने वाले जायरीनों के लिए हर साल की तरह इस वर्ष भी जायरीनों के ठहरने के लिए कोठी मीना बाजार मैदान पर स्थानीय प्रशासन नगर निगम व संस्था की ओर से व्यवस्था की गई, जिसमें जायरीनों को ठहरने व आराम करने के विशेष ध्यान रखा गया तथा जायरीनों के लिए लंगर व ठंडे प्याऊ की व्यवस्था की गई। आशा लिरिफ कैंपों का उद्घाटन श्रीमान एनजी कुमार जी जिला अधिकारी महोदय द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम की सादरता माननीय नवीन जैन महापौर नगर निगम द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमित पाठक जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अरुण प्रकाश जी, नगर आयुक्त श्री केपी सिंह जी, अपर जिला अधिकारी नगर शिव कुंवर बहादुर सिंह, अपर नगर आयुक्त श्री प्रभाकांत अवस्थी, नगर मजिस्ट्रेट श्री प्रशांत कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर श्री प्रशांत कुमार प्रसाद, पुलिस अधीक्षक यातायात श्री चमन चावड़ा, पुलिस क्षेत्र अधिकारी लोहमंडी, महाप्रबंधक जलकल विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा, पर्यटक अधिकारी आगरा क्षेत्रीय, महाप्रबंधक रोडवेज, अधीक्षक पुरातत्विक आदि से शिरकत की और कैंपों की शोभा को बढ़ाया तथा संस्था के अध्यक्ष हाजी अब्दुल क्यूम ने मुख्य अतिथियों को गुलपोशी माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भैया जाहिद हुसैन, ताजुद्दीन नेता शरी उद्दीन, जमीर उद्दीन, शराफ हुसैन, भैया मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद सादाब, अब्दुल बारी मोहम्मद, आशी मोहम्मद, इसरार मोहम्मद, तपस्सुम शाहउद्दीन कुरैशी एवं समस्त अराकिन बब्जे खुदाम अब्दुल औलाई उपस्थित रहे। राजा मोहिनुद्दीन चिश्ती हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का ये 807वां जो है उर्स है और इस मौके पर आगरा में बज़्म खुद्दाम की जानिब से जितने भी जायरीन हजरात हैं उनके लिए रिलीफ कैंप लगाया जाता है और ये सिलसिला करीब 30-35 साल से बदस्तूर जारी है और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले बज़्म खुद्दाम के अरकान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो इतनी अच्छी इंतजाम करते हैं जिससे कि जो जायरीन हजरात आए हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। इस कैंप का लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो हजरात बाहर से आते हैं उनको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जिससे उन्हें कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना हो। यहाँ मेडिकल कैंप भी है, यहाँ पानी की व्यवस्था भी है, शौचालय की व्यवस्था भी है और प्रशासन जो है पूर्ण रूप से हमारा सहयोग करता है। जिस तरह से जायरीन लाखों की तादाद में आएंगे तो आगरा में तमाम उद्योगों, वो पर्यटन उद्योग और तमाम जो छोटे उद्योग वाले हैं, जो कुंभ वाले हैं, इन सबको तमाम खाने के होटल्स वालों को निश्चित तौर पर उनको रोज़गार भी मिलेगा और साथ साथ इसके ये है कि जो जायरीन तशरीफ आगरा लाते हैं वो जितने मज़ार आते हैं उनकी दीदार के साथ साथ ताजमहल का भी दीदार करते हैं तो एक पर्यटन नगरी है आगरा, उससे उसका भी बेनिफिट होता है और जायरीन जब तशरीफ लाते हैं तो बड़ी तादाद में ताजमहल और किला वगैरह भी देखने जाते हैं, फतेहपुर सीकरी तशरीफ भी ले जाते हैं। तो आज का जो उद्घाटन हमारे गुरु ने किया उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के लोग और विदेश से भी आने वाले लोग अगर ख्वाजा मोहिनुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर पेशी करने के बाद, वो ज़ियारत करने के बाद आगरा के अंदर ज़िले आगरा से होकर जाते हैं उनमें वो यहाँ स्टे करते हैं, लाखों की तादाद में स्टे करते हैं। बज़्म खुद्दाम अब्दुल औलाई जो कमेटी है वो पूरी मेहनत से इसमें करीब 10-12 दिन लगती है और यहाँ रह कर के दिन और रात काम करती है। वो यहाँ स्टे करने के बाद उनकी ज़रूरतों को ये कमेटी पूरा करके देती है और उसके बाद वो अपने अपने ज़िले में जो है जाते हैं। इधर कुछ लोग जैसे हुजूर बारिश पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर साबिरकिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिरी देते हुए, सरताज आगरा पर हाजिरी देते हुए अपने अपने घर पहुँचते हैं। यही सबसे अच्छा इंतजाम, प्रशासन यहाँ कैंप लगाता है और उसकी व्यवस्था हम सब लोग अब्दुल औलाई कमेटी देखती है बज़्म खुद्दाम, इसके लिए हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि वो इतना अच्छा कार्य करते हैं और यही खल्के खिदमत कहलाती है, दिखावा नहीं। अच्छा ये बताइए, प्रशासन जो यहाँ पर तैयारियाँ करते हैं उनकी तैयारियों, प्रशासन जो तैयारी करता है जो हमारी मांग होती है उसके अनुरूप ही होती है, थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती है लेकिन ऐसी कोई नाराजगी वाली तैयारी नहीं है, सारी तैयारियाँ की है प्रशासन और पूर्वोत्ती की तरह होती रहती है। अब जैसे कि अभी ये इंतज़ाम है, आप खड़े हुए हैं, पानी आ रहा है लेकिन यहाँ पानी नहीं आ रहा है, इतने यहाँ पर खिदमत के लिए जाते हैं।
और खिदमत के लिए कमेटी बनी। एक मांग करना चाहता हूँ जी, मैं प्रशासन से एक मांग करना चाहता हूँ कि आगरा के अंदर ईद मिलन के रूप में एक मुशायरे का खर्चा नगर निगम आगरा उठाया करती थी, जो कि कुछ नई सरकारें आने के कारण उस जो कोर्स को बंद कर दिया गया, उसको अगर वो ईद मिलन में नहीं करना चाहते हैं तो हमारे साथी ने बताया कि मुशायरा होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ जो नगर निगम के ऊपर एक खर्चा था, कभी सम्मेलन होली पर हुआ करता था पालीवाल पार्क आगरा में, और ईद मुशायरा जो है ईद मिलन का जो है अम्बेडकर पार्क पर हुआ करता था, जिसको बंद कर दिया गया उस कोर्स को। आज वो अगर चाहती है, प्रशासन से हमारी मांग है कि जो अजमेर की लौट होती है उसमें वो कोई एक दिन यहाँ कभी मुशायरे का सम्मेलन करें, जिससे कि हमारी मांग पूरी हो। जो बरसों का इतिहास चला आ रहा है, जो मुशायरा ये जो है प्रेम और मोहब्बत की नगरी है, यहाँ पर कभी सम्मेलन और मुशायरा होते रहे हैं, जो प्रशासन ने बंद किए हैं उनको चालू करके उनका कोर्स जो है देना शुरू करें, जिससे कि आगरा के गौरव को बढ़ाकर, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा जो है गौरव बढ़ाए हुए है ताज की वजह से, तो एक प्रेम और मोहब्बत में भी आगे जाकर आगरा का नाम हो, और ये कभी मुशायरा और कभी सम्मेलन को दोबारा से चालू करने की मैं मांग करता हूँ। आज कहीं राजनीति का एक सवाल थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल 2019 के चुनाव आ रहे हैं जी, इस चुनाव में आप किस सरकार को वोट देना चाहेंगे? देखिए 2019 का चुनाव है, मैं अपने मत का प्रयोग करूंगा और ऐसी जगह करूंगा निष्पक्ष रूप से कि जो कि बेहतर अति पिछले माइनॉरिटी गरीब लोगों को ध्यान रखते हुए जो सरकार काम करेगी उसको करूँगा। और अगर मैं अपने मत का खुलासा करता हूँ तो फिर मेरा मत देने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि ये तो मैं 23 तारीख को ही खुलासा होगा कि मैंने किसको मत दिया। लेकिन फिर भी ऊपर वाले से ये उम्मीद करूंगा कि वो सरकार आनी चाहिए जो देश के गरीबों को साथ लेकर के, मजदूरों को साथ लेकर के चले, और जो वादे करे मैनोफेस्टो के अंदर जो वादे किए जाते हैं उनको सरकार का दायित्व होता है कि पूरा करे। मैं राष्ट्रपति माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी मांग करता हूँ कि 2014 के मैनोफेस्टो में ये बात आई थी भारतीय जनता पार्टी के मैनोफेस्टो के अंदर कि हम सरकार आने पर जो है गरीबों को 15-15 लाख जनधन खाते में देंगे। वो मैनोफेस्टो पूरा नहीं कर सकते तो वो देश का विकास भी नहीं कर सकते। इसका चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगना चाहिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात है कि पार्टी अपना मैनोफेस्टो जारी करे और मैनोफेस्टो में किए वायदों को पूरा करे उन 5 वर्ष के अंदर। ये कोई अल्पमत की सरकार नहीं थी जो गिर गई, स्पष्ट बहुमत की सरकार थी। आज 2019 के अंदर मैनोफेस्टो के वादे भूल चुके हैं। आज वो 17 रुपये किसान को देकर पर डे वो ये कहना चाहते हैं मैं किसानों का हमदर्द हूँ, वो सिर पाकिस्तान को जो है झूठी स्ट्राइक दिखा करके भारत की आवाम को बचा खुश करने के लिए अपने वोटों को बनाने के लिए, और उन्होंने जो है जो वादा किया था कि मैं 56 इंची का सीना लेकर 10 के बदले 100 सर लाऊंगा या 480 सर आने चाहिए थे पाकिस्तान की सेना के, ये कोई जवाब नहीं था। स्ट्राइक में कितने मरे किसके मरे, कहीं अमित शाह जी बोलते हैं, अमित शाह जी को बोलने का अधिकार भी नहीं है, बोले ना बोले, PM बोले, सुषमा स्वराज जी बोले, गृहमंत्री बोले, अमित शाह एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो राजनीतिक हैं, ये सरकार है हमारी, हमारे PM है वो, उनको जवाब देना चाहिए था इस बात का कि मैं 480 सर लेकर आया। सेना के सर नहीं लाए गए हैं, 56 इंची का सीना अभी नहीं दिखाया गया है, जुमलों को जरूर दिखाया गया। काले धन को वापस लेने के वादे में नीरव मोदी और माल्या जैसे लोग देश की जो है धन को लेकर के बाहर बैठे हुए ऐश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। माननीय मोदी जी ने और भी वादे किए थे, सबका साथ सबका विकास, क्या माइनॉरिटी के साथ वो विकास कर रहे हैं, क्या माइनॉरिटी के साथ सबका साथ करते हैं? आज भी एक बयान योगी जी सरकार का आ गया कि रमजान विपक्ष बनवाए, विपक्ष क्यों मनाएगी, ये मजहब है हमारा रमजान, हम भारत के अंदर मनाएंगे, भारत में जन्मे, भारत में मरेंगे, भारत की शान के लिए मरेंगे, तो हम रमजान यहीं मनाएंगे। चुनाव है, अगर चुनाव वाले दिन भी रमजान हमारा है और चुनाव की वोटिंग है तो वोट करने जाएंगे। क्या आज मुसलमान जो है माइनॉरिटी ने मोदी जी को वोट नहीं दिया था, क्या 2017 के अंदर 7% नहीं दिया आप लोगों ने सर्वे करके नहीं दिया? जब ये इतना ध्यान है तो इनके जहरीले बयानों पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये देश की कमान ऊपर वाला भगवान ईश्वर खुदा उन हाथों में दे तो जो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करे, ऐसे हाथों में किसी को भी ना दे कोई भी पार्टी हो जो कि अपने परिवार और अपने पार्टी के लोगों का विकास करे। मैं ये चाहता हूँ कि जनता का, भारत की आवाम का विकास हो, भारत का नाम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपसे जातिवाद, जाति विशेष और राष्ट्रवाद की बात करती थी, क्या ये उस पर अमल कर रही है? जातिवाद और हम राष्ट्रवाद की तो मुख्य बात है, तो सारे वो काम कर रही है जो कि नहीं होने चाहिए,
जातिवाद भी चल रहा है, राष्ट्रवाद भी चल रहा है, सारे काम वही पुराने ढांचे में चल ही रहे हैं। और तो मुझे जाके बारे में तो बाकी जो है जो प्रोग्राम हो रहा बाकी यहाँ पर खामी है प्रशासन की तरफ से नहीं है जो भी वहाँ से यहाँ के लिए ये है कि ये काम हमारे बुजुर्गों ने जितने हम सब कर्मी हमारे बुजुर्ग थे सन 1960 में शुरू करा था और हमारी कमेटी के सदर को छोड़ के सारे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, सिर्फ एक सदर हमारे रहे आज अब्दुल कयूम साहब। और ये हमने जो है 4 ड्रम पानी के रख के शुरू करा था हमारे बुजुर्गों ने, उसको आगे बढ़ाते गए आगे बढ़ाते गए। सन 1980-81 के अंदर बिश्नाब प्रताप सिंह की मिनिस्टर उत्तर प्रदेश बने थे, उनसे जब इसके ऑर्डर कराए गए थे, जब से जो इस पैमाने पे आया है जिसको अब ये प्रशासन देखता है तो इसको 38 साल तो मजे ही हो गए देखते देखते प्रशासन के साथ ये इंतजाम बदनाम बुलाई कर रही है। और यहाँ पर जो है कमी तो रह ही जाती है, कमी तो यह है कि अभी बारिश होगी तो जब पता लगेगा कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है। और अभी जायरीन जो 5 तारीख हुई है, जायरीन भी अभी जो है कि कल भी जो है 20-25 बसें आई थी, परसों भी जो थी करीब 17 बसें थी, आज बसें कुछ ज़्यादा आ गई हैं। अब कल से यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी तो अब जो है आंधी बारिश तूफान बारिश का तो कोई पता नहीं है, ये तो कुदरत की देन है जब जाए हुए, तो जब सही पता लगेगा इनका कि ये वाकई में ही है कि नहीं है, क्योंकि इनको ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर करने के बाद देखने वाला नहीं है कोई इनकार को कोई देखे पे, कोई ना अधिकारी देखता है ना कोई आन के लेकर देखता है। क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ प्रशासन से अनुरोध किया जाता है और यहाँ कमेटी मतलब गुदाम अबुल्लाई आगरा की तरफ से प्रशासन से कोशिश रहती है, प्रशासन का तामुल भी रहता है कमेटी के लोगों को, और ये खिदमत का काम है, सेवा का काम है, और जो भी कमियाँ हैं लगातार संपर्क में प्रशासन के साथ हैं, कमेटी के लोग आपको इस बारे में और बता पाएंगे। भैया राहुल हुसैन और मैं इस कमेटी का महासचिव हूँ। राहुल जी क्या व्यवस्थाएँ हैं जायरीनों के लिए इस बार? जायरीनों के लिए जैसे हर साल होती है करीब करीब ऐसी ही व्यवस्थाएँ, अब जैसे कि ये बाटरपुर पिंडाल बनाए हैं सही पता तो इनका जब लगे जब पानी पड़े तो जब क्योंकि काम तो होते हैं मगर लोग अधिकारी हमारे देखने नहीं आते हैं कि किस तरीके का हुआ किस तरीके का नहीं हुआ। और ये काम जो है हमारी कमेटी सर 1960 से करते चली आ रही है, ये हमारे बुजुर्गों ने पानी पिलाने से शुरू करा सन 81 के अंदर चीफ मिनिस्टर बिश्नाब प्रताप सिंह थे, उनसे ऑर्डर कराने के बाद जब इसको इस पैमाने पर लेके आए जब से इसको इस तरीके से करते चले आ रहे हैं, जिसमें 38 साल तो मुझे ही होगा इस प्रोग्राम में करते करते अपने हाथ से। इसमें हम कोई राजनीतिक किसी पार्टी को नहीं बनाते हैं, राजनीतिक कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं इसमें, ये सब हम आपसी में ही करते हैं मिलजुल के। और हम किसी को ये भी समझते हैं खिदमत कि किसी को रास्ता बताना है कि दवा वाले किधर बैठे हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी खिदमत है कि पानी किधर है तो उसको ले आके पानी तक पहुँचाना, बस भूलिया बस वाले को तक पहुँचाना, तो ये हमारे सब वॉलंटियरों की सबकी यही खिदमत रहती है। कितने जायरीनों की खिदमत करने की यहाँ की जो कमेटी के सदस्य हैं बयक्स जो सदस्य हैं वो ही यहाँ की कमेटी के द्वारा यहाँ के जो प्रोग्राम हैं और यहाँ का जो कार संभाला हुआ है उन्हीं के द्वारा संभाला हुआ है सन 1960 से लेके और अब तक ये कार्यक्रम अब तक चलाते हुए जा रहे हैं, तो यही कार्य इनके कंधों पर चला हुआ है। प्राइमेटी न्यूज़ से सहयोग के साथ रवि किशन, आगरा से रविंद्र।